नमस्कार दोस्तों, सती एस्ट्रो वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के द्वारा एक आप देख पा रहे हैं बीमिंग ड्राइव के नाम से किसी ने यूट्यूब पे अपना आईडी बना रखा है। नाम उसने अपना लिखा है विशाल कुमार, डेट ऑफ बर्थ भी दी है और उसने जातक में लिखा है कि मैं बीमार हूँ। और क्वेश्चन है कि जॉब कब तक लगेगी या मैं सोशल मीडिया का काम कर सकता हूँ। तो मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ किसी के साथ भी फ्री में एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। उससे क्या होता है कि या तो उस जातक के कर्म बढ़ जाएंगे या मेरे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब हम ज्योतिष में आ गए हैं हमको मालूम है कि आप कर्म जितना इस संसार में रहते हुए मोक्ष के लिए करेंगे तो आपके आगे के जीवन उतने ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो मैं किसी से पॉजिटिव या किसी से नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति विशेष 4-5 बार अलग अलग वीडियो में एक ही रिक्वेस्ट डालता है, शायद मैं देखता हूँ कि मुझे इसका चार्ट प्लॉट करके देख लेना चाहिए। और कुछ चार्ट्स में जुपिटर की पोजीशन ऐसी होती है जहाँ पर वो जुपिटर की पोजीशन हो, तो मैं ना चाहते हुए भी जो अपना प्रॉमिस है उसको भी तोड़ता हूँ और ये सोच के शायद ये मेरा पिछले जन्म का हिसाब किताब है। तो दोस्तों, इस जातक के मैं क्वेश्चन हैं, जो दो क्वेश्चन हैं, बेसिकली मैं बीमार हूँ और मेरी जॉब कब तक लग जाएगी या सोशल साइट का मैं काम कर सकता हूँ। तो इन दो क्वेश्चनों का उत्तर जो है भृगु नंदी नाड़ी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो मेरी अपनी विद्या है, जो मेरी अपनी नॉलेज है, उसके द्वारा देने की कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों, इसका चार्ट देखते हैं जातक का। और जो चार्ट देखते टाइम मैं पहली स्टेप क्या देखता हूँ आज, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बताता हूँ कि ये कुंभ लग्न की कुंडली है और जो लग्नेश हैं वो जो चतुर्थ भाव में बैठ गए हैं। और लग्नेश किसी भी रूप से जब वापिस लग्न को देखता है तो उस कुंडली को मजबूती मिल जाती है। चाहे वो कोई भी प्लेनेट हो, चाहे मैलेफिक हो, बेनिफिक हो, कोई भी प्लेनेट हो, अगर वो लग्न का स्वामी होके लग्न को वापिस देख लेता है तो वो लग्न को मजबूती दे देता है। दूसरी बात जो है, अगर गुरु भी लग्न को वापस देख लेता है तो वो उसको मजबूती देता है, चाहे वो कोई भी दृष्टि से देखता हो। तो यहाँ पर ये दो चीजें देखने के बाद ये तो तय है कि इस जातक की कुंडली में दम। लेकिन अब वो दम तो आपको दिख रहा है क्योंकि इस जातक में इंटरनल स्ट्रेंथ है। इंटरनल स्ट्रेंथ है यानी जब ये काम करना चाहेगा, जब जो मजबूती से कोई काम करना चाहेगा कर ले। लेकिन कर क्यों नहीं पाता है, यही जब कोई और एस्ट्रोलॉजर है या कहीं और व्यक्ति हर प्लेटफॉर्म पे पूछता है, अगर कर इसलिए नहीं पाता है कि ये भी किसी पे विश्वास नहीं करते। विश्वास नहीं करने की वजह से ही इसको एक ही क्वेश्चन बार बार लोगों से पूछना है। ये काम ये छोड़ देगा और अपनी कैपेबिलिटी पे, इस चार्ट के हिसाब से, वैद्य के हिसाब से, अगर अपनी कैपेबिलिटी से ये काम करेगा और मेहनत से काम करेगा तो इस जातक को कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि इस जातक के, जहाँ तक मैं नॉर्मली वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जब प्रिडिक्शन देता हूँ तो वहां पर विंशोत्तरी दशा के साथ त्रिभागी दशा को लगाना बहुत पसंद करता हूँ। इस जातक की जो विभागी दशा जो चली है 8-8-2009 से 7-12-2025 तक, इस दौरान अगर ये जातक अपने घर से दूर रहकर, अगर ये जातक उस दौरान अपने घर से दूर रहकर काम करता, क्या घर से किसी भी वजह से चला जाता, चाहे पढ़ाई कर रहा होता, लेकिन मुझे पढ़ाई के भी योग इसमें रुके हुए दिखते हैं। और वो रुकने का कारण यही है कि शायद या तो ये जातक किसी पे विश्वास नहीं करता है या ये जातक कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लेता है। जब ये जातक झूठ का सहारा लेगा या किसी पे विश्वास नहीं करेगा तो इसको
खासकर अपनी एजुकेशन के क्षेत्र में या अपने परिवार के बड़े लोगों के क्षेत्र में, तब तब इसको दिक्कत आएगी। मुझे नहीं मालूम कि इसकी सच्चाई क्या है, और मुझे ऐसा कोई बताने में भी कुछ नहीं है कि भाई ये ऐसा है या वैसा है, वो तो जातक पर देखना, हम तो प्रोस्पेक्ट बता सकते हैं, और थोड़ा इसमें अग्रेशन की भी प्रॉब्लम रहेगी। अगर ये घर से दूर नहीं गया, जैसा कि ये वहाँ पे आप क्वेश्चन में भी देख रहे हैं कि ये बीमार रहे, तो ये अगर घर से दूर नहीं गया किसी भी, चाहे पढ़ने के लिए चाहे काम करने के लिए, अगर इसकी पढ़ाई पहले बंद होगी क्योंकि तो ऑब्वियसली इसको 18-19 साल से या जो भी काम करना था इसको काम करना चाहिए था, अगर पढ़ रहा था तो घर से दूर रहना चाहिए था, तो नहीं तो क्या होगा अगर ये घर से दूर नहीं जाएगा, तो इसके बीमारी के खर्चे बढ़ जाएंगे, हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएंगे, जो एक नेगेटिव थिंकिंग होती है, जो मैं ये नहीं कहूँगा कि डिप्रेशन, लेकिन एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अगर वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस होगी तो फिर वहाँ पर जो भी शुक्र की चीज़ें हैं, शुक्र की चीज़ें यानी ग्लैमर की चीज़ें हैं, उनकी तरफ इसका ध्यान ज़्यादा लगने लग जाएगा। तो ये जो मैं आपको बताना चाहता था, ये पहला पार्ट, जब ये मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, अभी तो 2023 चल रहा है, 2019 से इसकी वो त्रिभागी दशा जो चल रही है, जो इसको तंग कर रही है, अभी इसमें से इसके पास बचा हुआ है अप्रोक्सीमेटली, आप समझ सकते हैं, 6 महीने ये और 2 साल, समझो कि अप्रोक्सीमेटली 1.25 साल या 2.5 साल का बचा हुआ है। तो इस 2.5 साल में इसको यही काम करना चाहिए, नहीं तो इसको ये जो चीज कह रहे हैं यही लगेगी, जो मैंने अभी कहा, क्योंकि मैं कभी भी किसी जातक का प्रेडिक्शन देता हूँ तो जैसे मैं चंद्रमा की प्रोग्रेशन लेता हूँ, तो मैक्सिमम मैंने देखा है चंद्रमा की प्रोग्रेशन के हिसाब से जो चार्ट में लेता हूँ, हर व्यक्ति के हर 2.5 साल में उसकी थॉट प्रोसेस बदल जाती है। थॉट प्रोसेस में ये नहीं कह रहा है कि वो बिल्कुल ही अच्छे से बुरा हो जाएगा या बुरे से अच्छा हो जाएगा, नहीं, उसका जो थीम बेस रहता है, किस राशि से रहेगा या किस प्लेनेट से रहेगा, उसकी जरूरतें ऐसी होंगी, वो हर 2.5 साल में बदल जाती है। जब हर 2.5 साल में बदल जाती है तो मैं उससे ज्यादा कर नहीं दूंगा। तो इस हिसाब से जो मैंने अभी प्रेजेंटली आपको ये बताया, इस चार्ट के हिसाब से ये जातक का, अगर ये कहता है जॉब लग जाएगी, देखिए मुझे इस कुंडली के हिसाब से कब तक जॉब लगेगी इसने ऐसा पूछा है, मुझे इस कुंडली के हिसाब से जो प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन लग रहे हैं वो इस साल इसको थोड़ी स्ट्रगल रहेगी, यानी जो अभी जो चल रहा है ये स्ट्रगल रहेगी, लेकिन इसमें ये जैसे इसने लिखा है कि मैं सोशल मार्केटिंग का काम कर सकता हूँ या सोशल मीडिया में काम कर सकता हूँ, ये अवश्य कर सकता है, लेकिन इसको बहुत ही डिग्निटी से और बहुत अच्छे से करना चाहिए। लेकिन एक्चुअल जो फ्रूटफुल सैलरी बेस्ड या बिजनेस से जो इनकम होने वाली है वो अगले साल से प्रोजेक्शन है, 2024 मई के बाद से इस कुंडली में वो प्रोजेक्शन है ये कर पाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि अभी इस जातक की जो डिजायर है ना, वो डिजायर इतनी ज्यादा है, जो फुलफिलमेंट होनी है वो कम है, तो कहीं ना कहीं अपनी डिजायर के चक्कर में ही, ज्यादा सोचने के चक्कर में ये कम पाएगा। दूसरी बात, जातक जहां मर्जी जिस विशेष परिस्थिति में पैदा हुआ हो, तो उस व्यक्ति को हमेशा जिस दिन वो पैदा हुआ हो उस दिन की एनर्जी रखनी चाहिए। तो ये जो मैं देख पा रहा हूँ इस कुंडली के हिसाब से, ये शुक्रवार को पैदा हुए तो शुक्रवार वाले व्यक्ति को नीट एंड क्लीन कपड़े पहनने चाहिए, शुक्र की तरह सोचना चाहिए, और इसको बहुत ही मेहनत से, क्योंकि शुक्र और शनि साथ चार्ट में इकट्ठे बैठे हुए हैं, बहुत मेहनत से काम करना चाहिए, यानी शुक्र की जो एनर्जी है इसको काम में लगाना चाहिए। तो शुक्र की एनर्जी जो बेसिकली है वो एक शुक्र वीनस और अभी मैं भृगु नंदी नाड़ी का कंसेप्ट बीच में ऐड कर रहा हूँ, अगर कभी भी चार्ट में सैटर्न और मरकरी या सैटर्न वीनस या तीनों का हो जाए, तो प्रोमिनेंटली वो जातक को ये कहता है कि वो अपना काम करे और खासकर बिजनेस करे, कोई भी दुकान पे या जैसे भी अपना शोरूम टाइप का वो काम करे। तो इस कुंडली के हिसाब से भी अगर मैं देखता हूँ तो इसके अप जातक के अपना काम करके ही ये ज्यादा खुश रह सकता है एज कम्पेयर टू किसी के यहाँ नौकरी करके। हाँ, एक बार सिचुएशन ऐसी इसकी कुंडली में बनेगी, पहले ये नौकरी करेगा, उसके बाद ये नौकरी करने के बाद वो नौकरी छोड़ेगा और फिर ये अपना काम करेगा। तो दोस्तों, मेरी उम्मीद रहती है कि अगर कोई भी
एक उम्मीद के साथ उन्नति एस्ट्रो वाला के प्लेटफॉर्म पे देखता है, मैं उसकी मदद करूं। लेकिन मदद करने का एक जरिया होता है जब आपको सफलता मिल जाए और जब आप उसकी बेनिफिट उठा के आगे बढ़ जाएं, तो आप उसको भी जरूरत दीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं जो भी आपको बता सकता था इस चार्ट के द्वारा, मैंने बताने की बताए कोशिश की है। और इस चार्ट के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, जातक को पहले कुछ साल नौकरी करनी चाहिए, वो काम सीख लेना चाहिए और फिर उसी एक्सपीरियंस को आगे अपने बिजनेस में लगाना चाहिए। चाहे वो हो सकता है कि ये लेडीज गारमेंट का काम करे या क्लोथ्स का काम करे, पहले किसी कपड़े की दुकान पे काम देखे, या कोई फीमेल के आर्टिकल्स की जहाँ पे बिकते हैं या जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पर काम पहले सीखे और बाद में उसको अपना काम करे। हाँ, इस क्वेश्चन इस कुंडली के हिसाब से जातक को जो बुद्धि है वो तकरीबन ये कहती है गलत काम करने के लिए या झूठ बोलने के लिए, तो इस जातक को जो उस काम को कम करने के लिए कोशिश करना चाहिए कि इस ज्यादा से ज्यादा इसको विष्णु सहस्त्र नामक का पाठ करना चाहिए, ताकि इसकी जो माइंड की नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाए और ये पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ने लग जाए। तो मेरे पास इस कुंडली के हिसाब से बताने के लिए इतना ही था दोस्तों। तो अभी कोई ऐसी कोई कुंडली और बची नहीं है जिसके बारे में मैंने कभी किसी ने रिक्वेस्ट की हो और मुझे देखा हो, क्योंकि क्वेश्चन तो सभी डाल देंगे, मैं सबका आंसर नहीं दे पाऊंगा। कुछ कुंडली ऐसी हैं जब मेरा मन करता है देखने का तो वहां देखता हूँ कि इस व्यक्ति को मुझे बताना ही होगा, शायद पिछले जन्म का मुझे कर्ज देना होगा। अगर मुझे नहीं देना था तो इस जातक को देना होगा, पर मैं नहीं चाहता कि कोई ये कंटिन्यूशन लेन देन का फ्यूचर जन्म में भी चलता रहे। तो जय श्री राम, बस इतना ही कहना। जय श्री